जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीयर ट्यूटरिंग की। पीयर का अर्थ होता है बराबर का बच्चा। इसमें एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है। सपोज क्लास फिफ्थ का बच्चा क्लास फिफ्थ को पढ़ा रहा है, क्लास सिक्स का बच्चा क्लास फिफ्थ को पढ़ा रहा है, पर क्या क्लास फिफ्थ का बच्चा सिक्स को पढ़ा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, चुने जाते हैं, एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर। टीचर है ना, उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाती है, ट्रेनिंग होती है इनकी, मॉनिटर किए जाते हैं और फीडबैक लिया जाता है, तब जाके ये चुने जाते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है पीयर ट्यूटरिंग की? पीयर ट्यूटरिंग की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है, जो बच्चे करिकुलम को समझ नहीं पा रहे, जो बच्चे रेगुलर स्कूल में नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, जहाँ टीचर्स कम होते हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट होती है पीयर ट्यूटरिंग की। पीयर ट्यूटरिंग कम से कम वीक में एक दो से तीन बार जरूर होना चाहिए 20 मिनट का लास्ट पीरियड में। ये वर्क करता है 3 स्किल्स पर। सबसे पहली है स्पेलिंग, हैंडराइटिंग और सोशल बिहेवियर। ये इन तीनों को एनहांस करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टारगेट करना तीनों डोमेन को, कॉग्निटिव भी, सोशल भी और साइकोमोटर भी। ये एडवांटेज इसकी कुछ इस तरह से होते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है प्रेशर ऑफ टीचर और स्ट्रेस ऑफ स्लो लर्नर, ठीक है। इंक्रीज कर देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रेडिंग। इसमें क्या है, हेजिटेशन नहीं रहती बच्चों की, इसलिए सोशल बॉन्डिंग बॉन्ड डेवलप्ड हो जाता है और फ्रेंडशिप भी होती है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को बेनिफिशियल है, इसीलिए स्कूल की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये होती है पीयर ट्यूटरिंग। थैंक यू।